ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। जब जीवन में खोते
भी हो जाते हो गुम, मन को तसल्ली से भरता और शक्ति देता है, मन को तसल्ली से भरता और शक्ति देता है। ये सारी सृष्टि के लोगों यहोवा की जय जयकार करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। ये सारी सृष्टि के लोगों यहोवा की जय जयकार करो, ये सारी सृष्टि के लोगों यहोवा की जय जयकार करो, ये सारी सृष्टि के लोगों यहोवा की जय जयकार करो, ये सारी सृष्टि के लोगों। प्यारे बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं इसका शीर्षक है संघर्ष की राह। बालक ईश्वर चंद्र के पिता को 3 रुपए मासिक वेतन मिलता था। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। ईश्वर चंद्र ने अपने पिता की विवशता को देखकर अपनी पढ़ाई के लिए रास्ता खुद ही निकाल लिया। उसने गांव के उन लड़कों को अपना मित्र बनाया जो पढ़ने जाते थे। उनकी पुस्तकों के सहारे उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन कोयले से जमीन पर लिखकर उसने अपने पिता को दिखाया। पिता ने ईश्वर चंद की विद्या के प्रति लगन देखकर तंगी का जीवन जीते हुए भी उसे गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। स्कूल की सभी परीक्षाओं में ईश्वर चंद ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। आगे की पढ़ाई के लिए फिर आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। ईश्वर चंद ने फिर स्वयं अपनी राह बनाई और आगे पढ़ने के लिए माता पिता से केवल आशीर्वाद भर मांगा। उसने कहा, आप मुझे किसी विद्यालय में भर्ती करा दे, फिर मैं आपसे किसी प्रकार का खर्च नहीं मांगूंगा। ईश्वर चंद का कोलकाता के एक संस्कृत विद्यालय में दाखिला करा दिया गया। विद्यालय में ईश्वर चंद ने अपनी लगन और प्रतिभा से शिक्षकों को प्रसन्न कर लिया। उसकी फीस माफ हो गई। ईश्वर चंद के मित्रों ने किताबें उपलब्ध करा दी। फिर उसे अपना खर्च पूरा करने के लिए मजदूरी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में भी उसने इतना परिश्रम किया कि 19 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह व्याकरण, साहित्य, स्मृति तथा वेद शास्त्र में निपुण हो गया। जिसके लिए पढ़ना ही कठिन था वह एक बड़ा विद्वान बन गया। आगे चलकर यही बालक ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, संघर्ष के कभी मत घबराना, बल्कि संघर्ष की राह पर चलकर आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हो। मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना, मैं इंतजार करते रहूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। जंग
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, है नरगिस खास शारुन का, हाँ तू तो संधि वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारुन का, हाँ तू तो संधि वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हम करूँ तेरी
ए मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, दोष तथा उस दोष की चेतना के बीच अंतर होता है। लेव व्यवस्था 4:27-28 पद, दोषी होने की मनुष्य की भावना विभिन्न परिस्थितियों द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। पाप मनुष्य को धोखा देता है, उसके अपने ही पाप की गंभीरता के प्रति अंधा कर देता है तथा उसके विवेक को कठोर कर देता है। इफिसियों 4:18, एक पापी एक पाप को जितना अधिक दुहारता है, आगे जैसे जैसे वो पुनः पाप करता जाता है, वो कम पछतावा अनुभव करता जाता है। परंतु प्रत्येक बार जब वो पाप करता है, उसका दोष बढ़ जाता है। भले उसका विवेक उसे दिख करे या ना करे, कोई भी पापी अपने संपूर्ण या उस दोष की गंभीरता को परमेश्वर के समक्ष नहीं स्वीकार करता। पाप के लिए कायल करना ये पवित्र आत्मा का कार्य है तथा वो इसे किसी भी समय कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा हमारे दोषीपन को परमेश्वर के सम्मुख महसूस करने में हमारी सहायता कर सकता है। चूंकि दोष के कई स्तर हैं, जिसे परमेश्वर न्याय के समय पहचानेगा, अंततः में दंड के कई स्तर हैं। नैतिक विकार भस्ता, नैतिक विकार पाप के बाद आदम व हव्वा की नैतिक अवस्था है। उनके पाप के कारण न केवल उन्हें दोषी बनाया, पर इसका उनके आंतरिक प्रवृत्ति पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। जिस घड़ी उन्होंने पाप किया, उसी समय उनके हृदय से पवित्र आत्मा अलग हो गया। वे अबोध तथा पवित्र सृजे गए थे, परंतु पवित्रता व भस्ता तथा पाप के समान स्वयं का अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। ये एक शारीरिक वस्तु या आत्मिक अस्तित्व नहीं है। पवित्रता एक जीवन का गुण है, जीवन की प्रवृत्ति की विशेषता है। मनुष्य में उपस्थित सारी पवित्रता पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के हम में वास करने से आती है। अतः आदम की सृजी गई पवित्रता उसमें पवित्र आत्मा का निवास है। पवित्र आत्मा द्वारा वास करने के लिए वो सृजा गया। मेरे मित्रों, मैं आज यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वास करने के लिए आदम हवा सृजा गया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे शरीर में पवित्र आत्मा का वास हो, यानी कि उस महान आत्मा का वास हो,
जब उस महान आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का वास हमारे शरीर में होगा, तो हम एक पवित्र जीवन जिएंगे। बिना पवित्र आत्मा के वास के व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव खोखला तथा अशांत है, तथा पूर्ण रूप में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब पवित्र आत्मा आदम से अलग हो गया, उसका आंतरिक स्वभाव बिना आत्मा के प्रभुता के साथ था। उसकी दी गई आत्मा बिना था। परमेश्वर से अलगाव आत्मिक मृत्यु है, इसलिए आत्मिक मृत्यु ने उसके स्वभाव में कार्य करना प्रारंभ किया। विकसित चरित्र की विशेषता उसमें न थी। वो विचारों तथा प्रलोभन के जिसकी शैतान ने उस पर वर्षा की थी बसी भूत था। उसका अपना बैनौठा पुत्र हत्यारा बना, भस्ता को फैलने तथा एक व्यक्ति को दूषित करने में ज्यादा समय नहीं लगता। पाप की प्रवृत्ति को कैसे समझना है, हम शायद पूर्ण रूप से ना जानते हो, परंतु हम सब इसकी वास्तविकता को जानते हैं। एक पाप हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, विवेक चोट खाता तथा कठोर हो जाता है, सूझबूझ तथा बुद्धि अंधी कर दी जाती है, अंधकार में कर दी जाती है और छली जाती है, तर्क करने की योग्यता कमजोर तथा अपाहिज हो जाती है, संवेदन शक्तियां परमेश्वर द्वारा दी गई भूमिका से दूसरी ओर मुड़ जाती है, तथा अव्यवस्थित दूषित गुलाम हो जाती है, इच्छा कमजोर होती है, कुछ हद तक बंद जाती है, तथा पाप तथा शैतान की सेवा करने के लिए बाध हो जाती है। हमारा संपूर्ण आत्मिक व्यक्तित्व अपवित्र हो जाता है, उसका मूल घट जाता है तथा अव्यवस्थित हो जाता है तथा कई प्रकार से कलुषित हो जाता है। मेरे मित्र, आज हम संसार में हैं और इस पूरे संसार में शैतान का राज है। शैतान आज हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे कामों में, दफ्तरों में प्रवेश कर चुका है और हम सब शैतान के दास हो चुके हैं। आज पूरे दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, लोग गुलामी के जीवन जी रहे हैं, एक कलुषित जीवन जी रहे हैं। इसका कारण है कि हमने ईश्वर को अपने जीवन से, समाज से, घरों से, दिल से निकाल दिया है और हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करे, जिसके लिए आदम सृजा गया। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के उस महान पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो इस महान जीवन के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि तूने हम सब की सृष्टि की ताकि हम अपने शरीर में खुदावन तेरे उस पवित्र आत्मा को बुला सके, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कर सके, ताकि हम पाप से बचाए जाए, पाप से दूर रहे, शैतान की हर एक शक्तियों से दूर रहे। हम अपने संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमें तू आत्मिक जीवन दे। इस प्रार्थना को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं। हम करूँ तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।